90,000 देके Duke 390 लेके जा सकते हो। ओके 45,000 to 50,000 देके Duke 200 भी लेके जा सकते हो। 50,000 में आ जाएगा Duke 200, 35,000 ओनली देके INS 200 लेके जा सकते हो, निकल जाएगा आपका। तो 40 to 50,000 देके आप लोग Duke 200 लेके जा सकते हो। ऑलराइट सो एक्स सबसे पहले बहुत जुनून वाला वीडियो वीडियो न्यू वीडियो सो हम फिर से आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ वापस। एंड आज के ब्लॉग में आप लोग को शो करने वाले सेकंड हैंड बाइक्स वगैरह, जो कि आप लोगों को लोकेशन पहले दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो लोकेशन पटोकवारी मैगजीन VIP रोड। तो प्रिंस मोटर नाम से एक नया शोरूम ओपनिंग हुआ है, तो जिसके आप लोग देख ही सकते हो प्रिंस मोटर्स। तो जिन लोगों को आना है लोकेशन बता दे रहा हूँ, जो लोग मतलब गुवाहाटी में रहते हैं उन लोगों को नारंगी से होकर सिर्फ पटोकवारी तक आना है। पटोकवारी से आप लोग को स्पीड आते ही आप लोगों को ये VIP रोड मिलेगा, जिसके आपको पता है एक आइडियल व्हील व्यू बोल के एक फ्लैट है बहुत बड़ा। तो उस रूट से आप लोग को स्ट्रेट आना है। आने के बाद आप लोग को अपोजिट में गैरेज 69 मिलेगा, उसके अपोजिट में प्रिंस मोटर्स है। तो अभी आज आए हैं प्रिंस मोटर्स, तो अभी जाते हैं, देखते हैं कि कैसा क्या बाइक से कैसा क्या है, कितना प्राइस है, कितना डाउन पेमेंट में आता है एंड कैसा क्या कंडीशन है बाइक का। सो वही सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फाइनली लाइनअप वगैरह कंप्लीट हो चुका है, तो जैसे कि देख सकते हो आज आप लोग इधर V4 भी रखा हुआ है, देख सकते हो ये V4 एंड सब कुछ एंड सब बाइक ऐसा है, मतलब एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में रखा जाएगा कि आप लोग देखते रहिए प्राइस एंड डाउन पेमेंट भी तो आप लोग को बोल ही देंगे। तो देख सकते हो V3 Duke 200 200 390 390। देन जिन लोगों को NS चाहिए NS भी है, दो दो पीसेस रखा हुआ है। देन जिन लोगों को एनफील्ड वगैरह चाहिए एनफील्ड भी है एंड जिन लोगों को रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए जैसे कि स्प्लेंडर हो गया ग्लैमर हो गया इन सब का भी आज प्राइस कवर करेंगे। देन अपाचे देख सकते हो, अपाचे भी रखा हुआ है। देन ये 220F, तो सब बाइक्स का प्राइस जानते हैं, एंटो का भी जानते हैं कि एंटो कितना की क्या से मिलता है। तो ये देख सकते हो एक्टिवा एंड गाइस आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोगों को जो आना है ये एड्रेस पे आना है, पटोकवारी मैगजीन VIP रोड कामरूप। तो ये देख सकते हो एंड बाकी नंबर वगैरह जो है वो देख सकते हो उधर, तो नंबर ये रहेगा एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में था आप लोग को मिल ही जाएगा नंबर वगैरह, तो आप लोग जाके डायरेक्टली वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं बाइक का प्राइस वगैरह से। तो इधर राहुल भाई है, तो राहुल भाई आप लोग को प्राइस वगैरह बोल देंगे। तो राहुल भाई ऐसा भी पूछते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो भैया लोकेशन क्या रहेगा एग्जैक्ट? आप लोग अगर 6 माइल से आओ तो ओके, पहले मैगजीन बोलते हैं ओके, तो मैगजीन अपोजिट में है गैरेज 69। तो काफ़ी लोग गैरेज 69 को जानते ही है, तो जो लोग 6 माइल साइड से आते हैं तो गैरेज 69 का ठीक अपोजिट आप लोग को मिल जाएगा, तो प्राइस वगैरह जानते हैं अभी। ओके सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं R15 V3 से। तो भैया ये कौन सा मॉडल है, कितना प्राइस रहेगा? 2021 का मॉडल है। ओके प्राइस आएगा आपका 1,28,000 1,28,000 21,000 किलोमीटर चला हुआ है 21,000 किलोमीटर चला हुआ है। देन आते हैं फिर से V3 पे, तो भैया इसका क्या रहेगा? V3 2020 मॉडल है, VS 60 है। ओके VS 30 का आसपास चला हुआ होगा, 2730 के अकॉर्डिंग आसपास चला हुआ होगा। गाड़ी बहुत सही में है, ये आपका आएगा 1,20,000 1,20,000 पे आ जाएगा R15 V3। देन और एक देखिए, तो इधर Duke 200 रखा हुआ है, ये Duke 200 DS4 मॉडल है, 2020 है, 2020 मॉडल है। प्राइस आएगा आपका 1,10,000 1,10,000 ओनली 1,10,000 में 2020 मॉडल वाला Duke 200 लेके जाओ। देन और एक है Duke 200, देख सकते हो ये Duke 200 BS4 ही है, सेम BS4 है, ये ऑरेंज पे है, ये ऑरेंज पे है, ये 2018 मॉडल है, 2018 मॉडल। ये प्राइस आएगा आपका 92,000 ओनली देखे डायरेक्ट लिख के जा सकते हैं। ओके तो भैया इन सब बाइक में रिफाइनेंस होगा कि नहीं? हो जाएगा, सब में होगा रिफाइनेंस। ओके रिफाइनेंस सब बाइक में होगा, तो रिफाइनेंस का इशू नहीं है एंड रिफाइनेंस का क्या प्रोसेस है वो भी आप लोग को बोल देंगे। लेकिन अभी आता है सबका मतलब फेवरेट बाइक Duke 390। ओके दोनों लास्ट मॉडल है, ये आपका 6,000 और 12,000 ओनली 6,000 12,000। तो प्राइस क्या रहेगा? 2,35,000 प्राइस रहेगा Duke 390 का। एंड कितना रनिंग था ये, कितना किलोमीटर चला हुआ था? 12,000। देन ये है 6,000 किलोमीटर रनिंग वाला बाइक Duke 390 देख सकते हो कंडीशन बाइक का। तो प्राइस क्या रहेगा इसका? प्राइस रहेगा आपका 2,33,000 2,33,000
तो सबसे मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस में दे रहे हैं भैया, तो देन आते हैं NS, रनिंग भी नहीं हुआ, ओनली 6000, मतलब जैसे EMI से खींचा हुआ बाइक रहता है उस टाइप का ही बाइक है ये, एंड वेल मेंटेन बाइक है। देन और एक देख सकते हो, ये है NS 200, तो 2019 मॉडल, एंड देख सकते हो टायर वगैरह बिल्कुल नया टायर लगा हुआ है, ब्रॉड टायर लगा हुआ है इसमें, अल्फा ग्रिप में नया टायर है। तो प्राइस क्या रहेगा भैया इसका? आएगा आपका 86,000 NS 200 डबल ABS। सो गाइस अभी नेक्स्ट बाइक आते हैं NS 160 पे, तो इसका भी कंडीशन देख सकते हो। तो भैया इसका प्राइस क्या आएगा? NS 160 मॉडल है आपका, 2020 ऐसा कुछ होगा। ओके, ये आएगा आपका ओनली 75,000 में NS लेके जाओ। देन जिन लोग को एनफील्ड वगैरह चाहिए तो एनफील्ड का कलेक्शन देख सकते हो। तो भैया प्राइस बोलिए एनफील्ड का। स्टैंडर्ड मॉडल है आपका, स्टैंडर्ड मॉडल है, 2021 मॉडल है, 2021 मॉडल, रनिंग 27 ऐसा कुछ चला हुआ है। ओके, तो ये आएगा आपका 1,26,000 देन नेक्स्ट रॉयल एनफील्ड क्लासिक मॉडल है आपका, रॉयल एनफील्ड क्लासिक मॉडल मॉडल है। ओके, 2019 मॉडल, ये आपका आएगा 1,18,000 देन नेक्स्ट ये BS6 मॉडल है, BS6 मॉडल, ये आपका एलो के साथ, एलो के साथ आता है, ब्लैक एलोय, तो 1,42,000 में आ जाएगा। देन जिन लोगों को 220 चाहिए, 220 का पता है काफ़ी क्रेज है, लेजेंडरी बाइक है ये, तो प्राइस क्या रहेगा भैया? ये आपका 2019 मॉडल है, ABS मॉडल में, 2019 मॉडल है, ओनली 83,000, मतलब पल्सर का बाइक्स से मतलब पूरा हैवी डिस्काउंट लगा के रखा है भैया, 80,000 से स्टार्टिंग होगा, 87-92 इस रेंज पे आप लोगों को मिल ही जाएगा पल्सर बजाज का बाइक वगैरह। देन जिन लोगों को नॉर्मल डेली यूज के लिए चाहिए स्प्लेंडर वगैरह भी है, तो क्या आ जाएगा भैया इन सब का प्राइस? ये आपका 2021 मॉडल है। ओके, तो ये आएगा आपका 55,000 पे। देन ये हमारे BS4 मॉडल 2019 मॉडल है, 2019 मॉडल, हाँ, ये आपका आ जाएगा 58,000 पे, 58,000 पे। देन और एक है पल्सर 150, ये डबल ABS वाला मॉडल है, डबल सीट, डबल ABS वाला, डबल ABS इसमें, ओके, के साथ मिलेगा आप लोगों को, ये आपका आएगा प्राइस 74,000 देन ये देख सकते हो अपाचे 160, तो ये न्यू जो लुक्स है वो वाला है, देख सकते हो आप लोग, लाइक से पता कर सकते हो। तो प्राइस क्या रहेगा? 2021 मॉडल है, ये आएगा आपका 85,000 बिल्कुल शाइनिंग कंडीशन में, जिनको लेना है आके लेके जा सकते हो अपाचे 160। 12,000 चला हुआ है सर। ओके, सो गाइस इधर देख सकते हो एक्सपल्स, ये दोनों 200 लेटेस्ट मॉडल वाला ही है। तो प्राइस क्या रहेगा? ये एक्सपल्स 200 4V मॉडल है। ओके, ये है 2022 मॉडल, 2022 मॉडल है, रनिंग 6000 ही ऐसा कुछ चला हुआ है, 6-7000 6-7000 रनिंग है इसका, तो ये आएगा आपका 1,16,000 1,16,000 देन वो रेड कलर वाला, रेड कलर है, ये भी 2021 दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट 22 मॉडल ही है, ऑलमोस्ट 22 मॉडल ही है, 16,000 ऐसा कुछ चला हुआ है, 16,000 चलो, इसका प्राइस आएगा आपका 1,10,000 1,10,000 ओके, सो कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, जिनको जो कलर अच्छे जिसको जो चाहिए वो आके लेके जा सकते हो। एंड अगर ऐसा है कि किसी को कोई कुछ बाइक चाहिए लेकिन शोरूम पे अवेलेबल नहीं है, तो भैया को मतलब बुकिंग अमाउंट दे के जाओ, भैया आप लोग को बाइक अवेलेबल करवा देंगे, बुकिंग अमाउंट देने का जरूरत नहीं है, मुझे पूछिए, मैं गाड़ी का फोटो वगैरह मैं आपको भेज दूंगा। ओके, उसके बाद अगर आपको पॉसिबल है तो आप ले सकते हैं, ले सकते हैं। देन देख सकते हो इधर B4, तो देख सकते हो बिल्कुल शाइनिंग कंडीशन में, बिल्कुल मतलब कंडीशन देख ही सकते हो आप लोग। तो प्राइस क्या रहेगा भैया इसका? ये B4 2022 दिसंबर मॉडल है। ओके, 9 मंथ या 1 ईयर के अंदर ही होगा ये। ओके, रनिंग हुआ है इसका 7,000 to 8,000 7,000 to 8,000 रनिंग है ऐसा चला हुआ है। इसका प्राइस आएगा आपका 1,51,000 देन जिन लोगों को स्कूटी लेने का प्लान रहता है, स्कूटी वगैरह, तो एक्टिवा से स्टार्ट करते हैं। तो भैया एक्टिवा कितना से आ जाएगा? एक्टिवा वो 2022 मॉडल है। ओके, इसका प्राइस आएगा आपका 68,000 देन ब्लैक
देन ब्लैक वाला ये आएगा आपका 21 मॉडल है, ओके ये आएगा आपका 59,000 देन डियो डियो BS6 है 2022 मॉडल है 2022 मॉडल ये प्राइस आएगा आपका 62,000 पे देन और एक देख सकते हो ये तो बिल्कुल नया कंडीशन पे ये 2022 मॉडल है 2022 मॉडल एक साल पुराना सिर्फ लेदर का BS6 शाइनिंग ब्लू पे है रेसिंग ब्लू इसको कलर को बोलते हैं ओके ये प्राइस आएगा आपका 70,000 देन जिन लोगों को थोड़ा मतलब माइलेज फ्रेंडली बाइक चाहिए हीरो का बाइक चाहिए तो इधर रखा हुआ है हीरो एक्सट्रीम तो एक्सट्रीम कितना में आ जाएगा साइकिल हीरो एक्सट्रीम 2021 मॉडल है ओके इसका प्राइस आएगा आपका 67,000 ये एंटो कितना में आ जाएगा ये सिर्फ 12,000 चला हुआ है 12,000 ऐसे 2021 दिसंबर ऐसा कुछ लगा हुआ है 72 ओके ये आएगा आपका 72,000 पे देन ये डियो अगर बाहर का है ऐसे तो बॉर्बेटा कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में होता है कुछ उसमें नहीं होता है जो नहीं होता है अगर गुवाहाटी में एक रेंटल एग्रीमेंट बैंक पासबुक जिसमें गुवाहाटी का एड्रेस हो हाँ ऐसा अगर है तो फिर हो जाएगा बाकी आपका गुवाहाटी का आसपास मंगोल लोए बायहटा आपका नॉर्मरी रोंगिया बॉर्बेटा में भी होता है आपका सोनापुर ओके अब तो नौगढ़ अब तो नोगाटक रिफाइनेंस हो जाएगा एंड काफ़ी लोग का ये भी क्वेश्चन रहता है कि डाउन पेमेंट कितना आता है तो अभी बाहर के साथ जाते हैं डाउन पेमेंट वगैरह बोलते हैं P3 एंड KTM का बाइक ऑफकोर्स काफ़ी लोग ये KTM के लिए देख रहे हैं सो देखते हैं सो गाइस रिफाइनेंस का जो प्रोसेस था उस लोग को बता ही दिया अभी जानते हैं कितना लेके लेके जा सकते हैं बाइक तो भैया अगर किसी को P3 लेना हो तो कितना लेके लेके जा सकते हैं ये P3 का प्राइस मान लो आपका अगर 120,000 हो ओके तो आप 50,000 लेके P3 ले ले सकते हो 45 to 50,000 लेके आराम से P3 लेके जा सकते हो देन ये सेम 45,000 से निकल जाएगा आपका तो 40 to 50,000 लेके आप लोग P3 लेके जा सकते हो अगर -1 का आपका मतलब पहले कुछ भी नहीं लिया हो तो 5,000 ज्यादा हो सकता है देन ये KTM ये ड्यूक 200 कितना में लेके जा सकते हैं 50,000 में आ जाएगा ड्यूक 200 देन 45 ये भी 45 to 50 ओके 45 to 50,000 देके ड्यूक 200 भी लेके जा सकते हो देन ड्यूक 390 कितना में लेके जा सकते हैं ओके तो 120 ओके 1,00,000 to 1,20,000 या फिर जिसका अच्छा गुड सिविल स्कोर वो 90 में भी लेके जा सकते हैं कि नहीं ओके जिन लोग का सोचिए 780 है किसी का सिविल स्कोर तब तो 90,000 देके लेके जा सकते हो ड्यूक 390 देन ये भी ये कितना में ये भी सेम ही है आपका वो 1,20,000 ऐसे देने से ओके एंड जिन लोग का अच्छा है उन लोगों को तो बोल ही दिया 90,000 देके ड्यूक 390 लेके जा सकते हो ऑलमोस्ट प्राइस सेम ही है देन NS का कितना आ जाएगा तो NS कितना में लेके जा सकते थे NS आपका इसका प्राइस तो आपने मैंने तो बोल ही दिया 86,000 ये आप 35 देने से निकल जाएगा 35,000 तो 35,000 ओनली डे के NS 200 लेके जा सकते हो देन ये 30 to 35,000 देके आप लोग NS 160 भी लेके जा सकते हो सो गाइस ये देखा आप लोग सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो If you did, make sure to subscribe my YouTube channel and I'll see you guys in the next video. Stay sexy, baby. And अगर वीडियो अच्छा लगे तो आओ शोरूम वगैरह विजिट करो एंड जो भी डिटेल्स है वो भाई से पूछ लो